कर रहे हैं सर? चाप और नली यूज करता हूँ मैं, सारे चाप और नली। सारे चाप और नली हैं जी? हाँ सिर्फ चाप और नली जी। कुछ दूसरे पीसेज हैं, कुछ गर्दन के भी पीसेज आते हैं, कुछ कमर के पीसेज आते हैं। ज्यादातर डिमांड इनकी आती है जी, मोस्टली चाप और नली लेते हैं। नली और चाप सामने ही खड़े होके कटवाते हैं। अच्छा, लोगों को थोड़ा सा मटन को लेके थोड़ा सा डाउट रहता है। तो मैं तो इतना इसमें चूजी हूँ कि मैं जो है ज्यादा से ज्यादा 12 किलो का मटन होता है, उससे बड़ा नहीं करवाता हूँ क्योंकि उसके रेशेस बहुत बड़े होते हैं। वो मैक्सिमम 12 किलो तक का मटन ही होता है। तो ये पूरा सेटअप है चूल्हा किचन का, और यहाँ ये उदयपुर में है, लोकेशन वगैरह मैं भी सर से बताता हूँ। और ये देखिए हमारे वेलकम के लिए। हेलो सर। हेलो सर। हेलो मैम। तो सर एक बार आपका नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम कुलदीप बख्शी है। हाँ कुलदीप बख्शी जी। सर थैंक यू सो मच पहली बात तो कि आपने हमको इनवाइट किया और आपने हमको टाइम दिया। वेलकम सर। मैं जानना चाह रहा था सर, द चूल्हा किचन है क्या चीज़, थोड़ा बताएंगे सर? जी बिल्कुल। हाँ जी, चूल्हा किचन ये है कि हमारा कंसेप्ट ये है कि लकड़ी और चूल्हे पे खाना, नॉन वेज प्रिपरेशन। ओके। ये ट्रेडिशनली है, गाँव में ऐसे ही बनाते हैं। तो मेरा भी यही आया कि मैं जो है वो गैस पे तो सारी जने बनाते हैं, तो मैं जो है चूल्हे का कंसेप्ट रखें, तो इसीलिए हमने लोगों भी जो है वो चूल्हा और लकड़ी दिया है। हाँ जी। और ये और इसमें स्वाद अलग ही हो जाता है, इसका स्वाद और गैस के स्वाद पे रात दिन का अंतर होता है। तो मैं देख रहा हूँ सर आपका जो सेटअप है एकदम बिल्कुल एकदम यूनिक स्टाइल में, देसी स्टाइल में, उसका क्या बताइए प्लीज? आप बताएंगे मेरी डॉटर बताएगी, इसी का है ये सब। मैं ये है कि जो हमारा कंसेप्ट है चूल्हे पे बनाना, इसने नाम भी द चूल्हा किचन रखा है, तो उस हिसाब से मैंने जो मेरा एम्बियंस है वो भी एज अ ट्रेडिशनल स्टाइल में, देसी स्टाइल में ही रखा है, कि ताकि लोग उससे और अट्रैक्ट हों, देखें कि चूल्हे वाला फील, देसी स्टाइल कैसा लगता है। बिल्कुल। तो बख्शी साहब कितने टाइम से आप नॉनवेज वगैरह बना रहे हैं सर? वैसे तो मैं, मेरा पैशन है ये, तो मैं फ्रॉम लास्ट 50 इयर्स मैं बना रहा हूँ। 50 इयर्स। तो सर आप क्या मतलब क्या एक्साइज में था मैं, और राजस्थान के एज ए डिप्टी कमिश्नर मैंने 2-3 साल काम किया है। अरे और तो आप फाइनली रिटायर्ड हो चुके हैं? मैं रिटायर हो चुका हूँ, 19 में मैं रिटायर हो चुका। तो मेरे को किडनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं डायलिसिस पे हूँ, तो वीक में 3 बार डायलिसिस होता है, तो माइंड हमेशा उसी में रहता है मेरा। तो डॉक्टर ने बोल रखा है मेरे को कि आप जो है माइंड डाइवर्ट करो आपका, कहीं कहीं जो आपका जो भी पैशन हो वो शुरू करो, जो भी है क्या है उसमें दिमाग लगाओ आपका। तो मेरे को कुकिंग का शौक है मेरे को, बहुत बड़ी बात। तो मैंने जो है कुकिंग में, मेरे को नॉन वेज का बहुत बनाने का बहुत शौक है, और खिलाने का बहुत शौक है उससे ज़्यादा। तो सर ये रेस्टोरेंट कब डाला आपने? रेस्टोरेंट सर मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, 2 साल से रनिंग कर रहे हैं जी। तो सर मोस्टली आप ही बनाते हैं या कुक भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं कभी कभी, कैसे रहते हैं? नहीं मोस्ट मैं ही बनाता हूँ। आप ही मोस्टली मतलब इन सेंस कि मैं ही बनाता हूँ। अच्छा। और डॉटर को मैंने बराबर सिखा दिया है। ओके। तो समटाइम्स शी यूज्ड टू कुक। तो सर आज क्या बनाने वाले हैं हम लोग? हाँ जी, और आई कॉन्टेक्ट है ना दोनों पे रखना है। मटन हांडी बनाएंगे अपन, मटन हांडी, और लकड़ी पे बनाएंगे चूल्हे पे जी। थोड़ा सा बताइए सर प्रिपरेशन के लिए। पहले तो प्याज ले लेते हैं जी, ये रफली चॉप्ड प्याज ये, फिर जो है ये ले लेते हैं प्याज पिसा हुआ, ठीक है, लहसुन अदरक पिसा हुआ जी, हरी मिर्च पिसी हुई जी, टमाटर पिसा हुआ और दही। अच्छा टमाटर और दही दोनों यूज कर रहे हैं जी? हाँ। अच्छा ठीक है। ये जी आता मटन, ये हमारा मटन है। क्या क्या पीस आप इसमें यूज कर रहे हैं सर? चाप और नली यूज करता हूँ मैं, सारे चाप और नली। सारे चाप और नली हैं जी? हाँ सर। सिर्फ चाप और नली जी? अरे वाह। कुछ दूसरे पीसेज हैं, कुछ गर्दन के भी पीसेज आते हैं, कुछ कमर के पीसेज आते हैं। ज्यादातर डिमांड इनकी आती है जी, मोस्टली चाप और नली लेते हैं। नली और चाप सामने ही खड़े होके कटवाते हैं। अच्छा। बिकॉज लोगों को थोड़ा सा मटन को लेके थोड़ा सा डाउट रहता है। तो मैं तो इतना इसमें चूजी हूँ कि मैं जो है ज्यादा से ज्यादा 12 किलो का मटन होता है, उससे बड़ा नहीं करवाता हूँ क्योंकि उसके रेशेस बहुत बड़े होते हैं। वो मैक्सिमम 12 किलो तक का मटन ही बढ़िया रहता है, और मेरे 8 से 12 किलो तक का मेरे सामने कटवाता हूँ, और आगे का पोर्शन लेता हूँ मैं हमेशा। बहुत खूब। तो डिप्टी साहब काली मिर्च डालूंगा, लौंग डालूंगा, ये फूल आते हैं स्टार्स इसको बोलते हैं, तो वो आएंगे। हाँ जी। बड़ी इलायची आएगी, ठीक है, और दालचीनी आएगी, और तेज पत्ता आएगा, ठीक है, लाल मिर्च आएगी, और कसूरी मेथी आएगी, ठीक है। ये पिसे हुए मसाले हैं, और पिसे हुए मसाले के बाद ये है कि मैं खुद जाके
और मंडी में मिर्च पसंद करता हूँ, हल्दी पसंद करता हूँ, धनिया पसंद करता हूँ और फिर अलग अलग इनको पिसवाता हूँ बिल्कुल खड़े रह के। ओके, मतलब आप सारी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करते हो। बिल्कुल। ये सोयाबीन ऑयल आपने बताया ना? जी जी। और उसमें जो है ये अंगल कितना किलो मटन बना रहे हैं अपन? अपन 2 किलो मटन बना रहे हैं। तो जैसे मेरी ये खासियत है कि मैं कोई भी नाप तोल के कोई चीज़ नहीं करता हूँ। ओके। हर चीज़ जो है मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, मतलब आपसे जितना हाथ नपा हुआ है मतलब आप। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाद एक बार मसाले का मतलब जी हाँ। फिर उनको मसाले को डाल दिए। सबसे पहले ये पिसा हुआ जो है प्याज गिरा रहे हैं अपन। अगर पिसा हुआ प्याज इसके साथ डालने से थोड़ी ग्रेवी क्या बन जाती है, कैसे रहती है? बन जाती है थोड़ी ग्रेवी जो है, गाढ़ी भी हो जाती है। और फिर ये अपन अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। डालिए सर। तो गाइस ये 2 किलो की प्रिपरेशन हो रही है, 2 किलो मटन की। और ये अभी मसाले डाल रहे हैं। अभी ये क्या डाल रहे हैं? ये कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्च है ये, दरदरी कुटी हुई मिर्च है ये। बहुत ठीक है, मज़ेदार। और ये लास्ट में टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी बहुत बढ़िया। नमक डालेंगे ये। डालिए सर। हाँ जी, ठीक है। वाह तो अंकल, मतलब इतना तजुर्बा है कि अपने सिर्फ हाथ से ही नपा हुआ अंकल? बिल्कुल वही सर। मेरे को इतना है कि मैं हाथ से ही डालता हूँ। बिल्कुल। अभी नेक्स्ट अपन धनिया ले रहे हैं। और वैसे भी सर थोड़ा सा धनिया डालो दोस्तों, चूल्हे पे मेकिंग हो रही हो ना जी, तब इन चीज़ों का ना भी रखो ना ध्यान। और वैसे भी पुराने जमाने में ऐसे ही बनाया जाता था, हाथ से ही सारी चीज़ें डाली जाती थी। तो इसमें कोई अब अपन हल्दी ले लेंगे। आप हल्दी ले रहे हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल से बन रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप चूल्हे पे बिल्कुल ऐसे जैसे गांव ढाणियों में बैठ के बनाते थे लोग। सर हमारी पोस्टिंग पे भी ऐसे ही रहता था, कहीं जंगलों में गए हैं, जंगल में रह गए, कहीं गया है जी। तो जो सब्जी बनती थी कोई भी, वेज भी बनता था तो भी ऐसे ही बनाते थे चूल्हे पे। और अच्छा, बाटी वाटी सेक लेते थे। उसी को इंस्पिरेशन मिली होगी कि यार मैं भी ऐसे ही चूल्हे का। बिल्कुल बिल्कुल, गाँव से ही मेरे को ये जो है बिल्कुल ये हुआ है। अब अपन जो है लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च बहुत वो ऐसी है ये कि आपको तीखी नहीं लगेगी। अच्छा, ठंडी मिर्च है ये। काट के लाता हूँ। मिर्ची अंकल कलर भी देती हैं और तीखापन दोनों जी। कलर नहीं, तीखापन नहीं देगी आपको, बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर ऐसा बोल। हाँ, और कोई मांगता है और वो कहता है कि मेरे को स्पाइसी चाहिए, तो फिर हम उसको बाद में स्पाइसी कर देते हैं। बाकी ऐसा ये स्पाइसी नहीं होगी, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा आपको स्पाइसी। जलन नहीं होगी आपको कभी। और इसके लिए और इसको ज़्यादा उसके करने के लिए हम दही डालते हैं। अच्छा, तो ये बैलेंस कर देता है उसके। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा गाइस दही चला गया इनमें। दही डाल दिया। ये देखो जी, मतलब अब ना ग्रेवी अब ले रही है हवा जी। दोस्तों आप कलर देख सकते हो, इसका कलर कितना शानदार कह रहा है ना। और हल्का हल्का सा रोगन अभी, क्योंकि मसाले पके नहीं है तो हल्का हल्का सा ऑयल तो ऊपर आ गया, बट मसाले देख रहे हो आप एकदम जिसको बोलते हैं रेशेदार ग्रेवी अंकल जी। रेशेदार ग्रेवी की फीलिंग आ रही है बिल्कुल सर। और इसके बाद अपन जो है ये खड़ी मिर्च डाल रहे हैं, 7-8 लाल मिर्च डालेंगे। ये सर हमेशा डालते हैं? ये हमेशा डालते हैं। ओके, ये थोड़ा मसाला पकने में आ गया और इसमें जाली सी दिखने लग रही है। हाँ, एक बार उठाना अंकल इसको दिखाइए। ये जाली है, बहुत ही जाली सी आ गई है इसमें। हाँ जी जी। तो अब इसको इसमें जो है हम कस्तूरी मेथी डालेंगे। डालिए सर कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ऑप्शनल है या फिर आप मतलब? सर इससे टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, स्वाद ही बिल्कुल चेंज कर देता है। चलिए ठीक है। आप उदयपुर में, मैं देख रहा हूँ उदयपुर में कई जगह कस्तूरी मेथी का यूज कर रहे हैं। उदयपुर में ज्यादातर कस्तूरी मेथी ही यूज करते हैं। मटन में है ना नली और चाप के पीसेस ज्यादा रखते हैं, तो क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है कि नली चाप के पीसेस ही हम खाते हैं, हर कोई इसी का ऑर्डर देता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है ना जी सर।
आप खुद देख सकते हो साइज देखो पहले तो मटन का अंकल बता रहे थे 12 किलो का बकरा यूज कर रहे हैं पीस है ये देखो कितने बड़ा पीस है नली का पीस बहुत खूब अंकल क्या बात इसके साथ नली का ये दस्ती वाला पीस अंकल दस्ती दस्ती पीस बहुत खूब ये नली ये नली ये अदले की नलिया चाप के पीस अंकल बहुत बड़े ले रहे हो दो चाप डबल वाली लेते हो डबल चाप लेता हूं बहुत खूब सिंगल तो इसमें चूल्हे पे खत्म हो जाएगी हां जी जी एक बार शानदार सर ये तो खिल गया मटन रंगत में तो बहुत सही लग रहा है दोस्तों ये है चूल्हे का हांडी मटन और हम उदयपुर में हैं और पूरी मेकिंग देखो आप पूरी वीडियो एंजॉय करो बताओ क्या सर ये देख लेते हैं इसको अभी 1.5 घंटा हो गया अपने को और वाह क्या बात है यार ये देख सकते हो रंगत नली का पीस बहुत खूब क्या बात है दो गन अंदर पूरा ऊपर आ गया हां जी अंकल हो गए पीस सुगंध बहुत अच्छी आ रही है इसकी अंकल आपने जो इसमें वो डाला ना कसूरी मेथी जी वैसे उसकी खुशबू आ रही है ना आप वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा डालते हो यहां पे उदयपुर में मैंने देखा सर उसी से मेन स्वाद उसी से आता है ये देखो जो खड़ी मिर्चें डाली थी ना ये देखो चाप के पीस कितने शानदार लग रहे हैं बाजरे की रोटी बन रही है बिल्कुल ये बाजरे की बन रही है तो मतलब चूल्हे पे बनती है ये दोनों हाँ, ये तो? प्रॉपर चूल्हे पे बनती है मक्की और बाजरे की करो ये देखो भाई एड में बन रही है आपकी मक्की की रोटी और इधर मटन बन के रेडी है चलो भाई और ये सर्विंग हो रही है भैया ये देखो भाई इसकी रंगत एक बार यार बहुत खूबसूरत